अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल। जैसे पहला हम देखते हैं, अगर थीटा इज इक्वल टू 45 रहेगा, एंगल 45 होगा तो हमें पता है कि एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड होता है। जैसे ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल पर पड़ा है तो ये 90 डिग्री है, तो ये 45 और ये भी 45। एंगल साइड के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसके अपोजिट ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, तो इसका अपोजिट साइड भी सेम होगा, मतलब ये भी साइड सेम होगा, इसका भी लेंथ वही होगा। ठीक है, अब इसका लेंथ, अगर इसका लेंथ ए अगर लेते हैं हम लोग और इसका ए, तो पाइथागोरस से इसका लेंथ क्या आ जाएगा, रूट टू टाइम्स ऑफ ए। अब यहाँ पे साइन 45 का अगर वैल्यू निकालें, साइन क्या होता है, साइन, तो साइन 45 यहाँ पे क्या होगा, कोई 45 ले लेते हैं, मैं दोनों एंगल सेम, इसलिए कोई भी एंगल ले लेते हैं पी, और इस एंगल के प्रोपोर्शन बात करते हैं, इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, तो पी अपॉन एच ए अपॉन रूट टू है। यहाँ से ए और ए कैंसिल हो जाएगा, इसलिए साइन 45 हमारा 1/√2 आएगा। उसी तरह कॉस 45 क्या होगा, बी अपॉन एच, बी इसका क्या है, ए अपॉन एच √2 ए, तो ये कॉस 45 भी 1/√2 होगा। अब टैन 45 की बात करते हैं, टेन 45 क्या होता है, टेन थीटा एक्चुअली होता है क्या, पी बाई बी, यहाँ पी क्या है ए, बी क्या है ए, मतलब टेन 45 इज इक्वल टू ए अपॉन ए इज इक्वल टू 1, मतलब टेन 45 इज इक्वल टू 1। अब कॉट 45, कॉट 45 टेन का कॉरस्पॉन्डिंग होता है, टेन का अपोजिट होता है, इन्वर्स होता है, सॉरी इन्वर्स नहीं, रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्स दूसरा होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कॉट भी 1 होगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, इसलिए कॉट 45, टेन 45 इक्वल टू कॉट 45 इक्वल टू 1, कॉट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल। जैसे पहला हम देखते हैं, अगर थीटा इक्वल टू 45 रहेगा, एंगल 45 होगा तो हमें पता है कि एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड होता है। जैसे ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल पर पड़ा है तो ये 90 डिग्री है, तो ये 45 और ये भी 45। एंगल साइड के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसके अपोजिट ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, तो इसका अपोजिट साइड भी सेम होगा, मतलब ये भी साइड सेम होगा, इसका भी लेंथ वही होगा। ठीक है, अब इसका लेंथ, अगर इसका लेंथ ए अगर लेते हैं हम लोग और इसका ए, तो पाइथागोरस से इसका लेंथ क्या आ जाएगा, रूट टू टाइम्स ऑफ ए। अब यहाँ पे साइन 45 का अगर वैल्यू निकालें, साइन क्या होता है, साइन, तो साइन 45 यहाँ पे क्या होगा, कोई 45 ले लेते हैं, मैं दोनों एंगल सेम, इसलिए कोई भी एंगल ले लेते हैं पी, और इस एंगल के प्रोपोर्शन बात करते हैं, इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, तो पी अपॉन एच ए अपॉन रूट टू है। यहाँ से ए और ए कैंसिल हो जाएगा, इसलिए साइन 45 हमारा 1/√2 आएगा। उसी तरह कॉस 45 क्या होगा, बी अपॉन एच, बी इसका क्या है, ए अपॉन एच √2 ए, तो ये कॉस 45 भी 1/√2 होगा। अब टेन 45 की बात करते हैं, टेन 45 क्या होता है, टेन थीटा एक्चुअली होता है क्या, पी बाई बी, यहाँ पी क्या है ए, बी क्या है ए, मतलब टेन 45 इज इक्वल टू
ए अपॉन ए इज इक्वल टू वन, मतलब टेन फोर्टी फाइव इज इक्वल टू वन। अब कॉट फोर्टी फाइव, कॉट फोर्टी फाइव टेन का कॉरस्पॉन्डिंग होता है, टेन का अपोजिट होता है, इन्वर्स होता है, सॉरी इन्वर्स नहीं रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्स दूसरा होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कॉट भी वन होगा क्योंकि वन का रेसिप्रोकल वन होता है, इसलिए कॉट फोर्टी फाइव, टेन फोर्टी फाइव इज इक्वल टू कॉट फोर्टी फाइव इज इक्वल टू वन, कॉट फोर्टी फाइव। उसी तरह कॉस एक, कॉस एक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कॉस एक हो जाएगा रूट टू, कॉस एक फोर्टी फाइव रूट टू हो जाएगा क्योंकि साइन वन अपॉन रूट टू है। उसी तरह सेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस यहाँ पे वन अपॉन रूट टू है, इसलिए सेक भी क्या हो जाएगा रूट टू, इसलिए कॉस एक फोर्टी फाइव इक्वल टू सेक फोर्टी फाइव इक्वल टू रूट टू हो जाएगा। अब तो फोर्टी फाइव के बारे में सारा ज्योमेट्रिक रेशियो के बारे में जान गए, मैंने वैल्यू कितना होता है साइन फोर्टी फाइव कॉस फोर्टी फाइव टेन फोर्टी फाइव। अब हम दूसरा लेते हैं सिक्सटी और थर्टी, ठीक है, दूसरा हमारा है सिक्सटी डिग्री और थर्टी डिग्री, ठीक है। अब हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो ऑब्वियसली सारा एंगल यहाँ 60 डिग्री होगा, सारा साइड ए ए होगा, मान लेते हैं ये ए है तो ये भी ए होगा और नीचे वाला भी ए होगा, ठीक है, एंगल भी 60 होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो अब इसे 20 से बाइसेक्ट करते हैं या मीडियन डालें, कुछ भी बोल सकते हैं, मीडियन बाइसेक्ट दोनों, मीडियन जो है बाइसेक्ट करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और परपेंडिकुलर गिरता है बेस पे, ये हमारा 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल हम अगर ए बी सी अगर इसे नाम दे देते हैं ए बी सी और ए डी, ट्रायंगल ए बी डी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्री में से राइट एंगल ट्रायंगल में डिस्कस किया जाता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं ट्रायंगल ए बी डी। हमारे पास ये ए है और ये मीडियन जो है बाइसेक्ट किया इस साइड को, अपोजिट साइड को या अपने फ्रंटर साइड को, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बी डी जो होगा हमारा ए बाई टू हो जाएगा, ठीक है, ए बाई टू। और ये हमें पता है कि ये तो 60 है भाई, ये 90 है, ये कितना होगा 30 होगा, ऑब्वियसली 30 होगा, ये 30, तो यहाँ से हमें 30 डिग्री के बारे में पता चलेगा और 60 डिग्री के बारे में पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या होता है। अब चलिए 60 के बारे में पहले बात कर लेते हैं, साइन 60। अब देखिए यहाँ पे साइन 60 मतलब पी बाय एच, यहाँ पे पी क्या है ये वाला साइड और ये ए, तो ये साइड के पैथागोरस से लोग निकाल लेंगे साइड ए डी, ए डी यहाँ पे कैसे निकलेंगे पैथागोरस से, ए डी हमें फाइंड करना है, ए डी छोड़ क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर पैथागोरस थ्योरम के अनुसार, यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम पुट किए हैं, इसे सोल्व करने के बाद क्या आ रहा है रूट अंडर थ्री ए अपॉन टू, ठीक है। तो हमारे पास ये साइड निकल गया, क्या आया रूट थ्री ए अपॉन टू। और साइन 60 पी बाय भी होता, पी बाय एच होता है, पी यहाँ पे क्या है रूट ए रूट थ्री ए अपॉन टू और एच ए है, तो पुट कर दीजिए बस रूट थ्री ए अपॉन टू अपॉन ए से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा रूट थ्री
अपॉन ए, रूट थ्री अपॉन टू। यहाँ साइन 60 का वैल्यू हमारे पास आ गया रूट थ्री बाय टू। उसी तरह सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कॉस 30, 30 देख लेते हैं, पहले कॉस 60 देख लेते हैं, कॉस 60, कॉस 60 हमारे पास क्या है, हम दूसरा फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस 60 इक्वल रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर 60। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास रूट अंडर, फार्मूला से अगर देखें तो इस फार्मूला हम लोग पढ़ चुके थे, इसका यूज कर सकते हैं, वन माइनस इसका स्क्वायर मैंने साइन स्क्वायर 60 का, तो 3/4, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 यहाँ चला जाएगा, 4 माइनस 3/4 1/4 रूट अंडर, तो बाहर में आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस 1/2, ठीक है। अब उसी तरह हम टैन का भी निकाल सकते हैं, टैन क्या होता है, पी वाई बी टैन 60, यहाँ पे पी क्या है, यहाँ पे पी है रूट 3/2, बी है ए बाय टू, मतलब रूट थ्री, यहाँ पे रूट 3a/2 निकाल लीजिए, रूट 3a/2 अपॉन, ये तो पी हो गया, बी a/2, अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और a से a कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा टेन 60 इज इक्वल टू रूट थ्री। टेन 60 इज इक्वल टू रूट थ्री। और हमारे पास साइन है, कॉस है, टेन है, तो हम कॉस से एक और कॉट निकाल सकते हैं क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह यहाँ पे कॉसेक क्या हो जाएगा, 2/√3, सेक क्या हो जाएगा 2, और कॉट क्या हो जाएगा 1/3। अब हम बात कर लेते हैं 30 डिग्री, मैं साइन 30 के बारे में यहाँ पे मिट गया, यह हमारे पास था a/2, ये था, ये हमारे पास √3/2, √3a/2 था। अब चलिए आइए, 30 डिग्री था, तो अब साइन 30 की बात कर लेते हैं। साइन 30, साइन थीटा से सिंपली पी वाई एच होता है, यहाँ साइन 30 क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच, मतलब साइन 30 इज इक्वल टू a/2 अपॉन √3, सॉरी a/2 अपॉन a पी वाई एस, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 साइन 30 इज इक्वल टू, यही क्या था हमारा कॉस 60। अब कॉस 30, कॉस 30 हमारा हो जाएगा बी वाई एस, यहाँ बी क्या है √3a/2, और एच क्या हो जाएगा ए, तो यहाँ कॉस 30 हमारे पास आ जा रहा है √3/2, जो हमारे पास साइन 60 था। उसी तरह टेन 30 क्या हो जाएगा, बी ए पी वाई बी टेन 30, यहाँ पी क्या हो गया a/2, बी क्या हो गया √3a/2, तो a/2/√3a/2 हमारे पास 1/√3 होगा। अब यहाँ से हम कॉट कॉस एक
से एक, दोनों तीनों निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कॉस क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सेक क्या हो जाएगा, सेक 30 क्या हो जाएगा, टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा। और यहाँ पे कॉट 30 क्या हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है, अब 60 30 के बारे में जान लिए हैं। अब हम बात करते हैं 90 डिग्री और 0 डिग्री के। ठीक है, 90 डिग्री और 0 डिग्री। तो 90 डिग्री, पहले 90 डिग्री देखते हैं। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, सॉरी चलिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा 90 डिग्री। अब 90, अगर ये एंगल कोई इसमें से ये कोई 90 डिग्री होता है तो एक जीरो होगा। जीरो होगा मतलब दूसरा लाइन जो ये जो हमारा लाइन है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हमारा लाइन इसके पैरेलल होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा। ये लाइन लगभग लगभग इन्फिनिटी पे जाके ये मिलेगा, मानी ये पैरेलल लाइन जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो ये लाइन लग हुआ इसके पैरेलल जाएगा, मतलब इन्फिनिटी पे जाके इसको टच करेगा दोनों। तो हम sin 90 के बारे में बात करते हैं। sin 90, sin एक्चुअली होता क्या है, पी बाय एच। इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के रेफरेंस में परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और हाइपोटेनस ये है। अब यहाँ पे sin 90 इक्वल टू 1 होता क्यों, sin θ इक्वल पी बाय एच। यहाँ पी क्या है, ये साइड है, और एच ये, जो दोनों इक्वल है, इन्फिनिटी पे जाके दोनों मिल रहा है, इसलिए दोनों लगभग इक्वल लेंथ का है, इसलिए sin 90 इक्वल टू 1 होगा। अब वहीं पे साइन जीरो इज इक्वल टू sin 0 पी बाय एच। ये एंगल 90 है तो इसके ऑपोजिट साइड एंगल, दूसरा एंगल जो होगा 0 होगा। ये कोई फिक्स्ड लेंथ है, मान लेते के, और ये लेंथ एच जो है इन्फिनिटी है, तो कोई फिक्स लेंथ अपॉन इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है, इसलिए sin 0 इज इक्वल टू 0। उसी तरह यहाँ पे कॉस का लिखते हैं, कॉस 0 क्या होता है, cos 0 बी अपॉन एच। बी बेस ये है 0 के लिए, ये बेस होगा 0 एंगल के रेफरेंस में, और हाइपोटेनस है जो दोनों का लेंथ लगभग बराबर है, इसलिए cos 0 इज इक्वल टू 1 होगा, बी वाई कट के 1 हो जाएगा। उसी तरह cos 90, cos 90 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, क्योंकि cos 90 यहाँ पे बी वाई किसी भी कांस्टेंट के अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। अब चलते हैं टैन की तरफ। टैन जीरो पी बाय बी परपेंडिकुलर के है, लेकिन बेस जो है उसका लेंथ डिफाइन नहीं होता है, इसलिए टैन जीरो नॉट डिफाइन होता है। उसी तरह टैन 90 भी नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पे cot 0 और tan 90 जो होता है नॉट डिफाइन होता है। उससे tan 0, tan क्या होता है, पी बाय बी, यहाँ पे 0 एंगल होगा, सामने पी के, के अपॉन बी इन्फिनिटी, इसलिए tan 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। और cot 90 उसी तरह 0 होगा। cot 90 क्या होता है, बी बाय पी, यहाँ पे 90 है, बेस के और पी जो है यहाँ पे इन्फिनिटी, इसलिए के अपॉन इन्फिनिटी 0 होगा, इसलिए टेन जीरो इक्वल टू कॉट 0 इक्वल टू 0 होता है। इस तरह टेन 0 इक्वल टू कॉट 0 इक्वल टू 0 होगा, कॉट 0 और दूसरी तरह टेन 0 इक्वल टू कॉट 90 इक्वल टू 0 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉट 0 और टेन 90 नॉट डिफाइन होता है। अब जैसे हमको साइन कॉस और टेन पता चल गया तो बाकी भी पता चल जाएगा।
जैसे साइन 90 इक्वल टू वन होता है तो कॉसेक 90 भी वन होगा, साइन 90 इक्वल टू जीरो होगा तो कॉसेक जीरो नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि कॉसेक क्या होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन का रेसिप्रोकल होता है, और कॉसेक कॉसेक इक्वल टू वन अपॉन साइन होता है, इसका मतलब वन अपॉन जीरो, और वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी होता है, इसलिए कॉस जीरो जो होगा इन्फिनिटी होगा, और उसी तरह सेक 90 इन्फिनिटी होगा, क्यों? क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है और सेक इज इक्वल टू वन अपॉन सेक 90 इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इसे एक जगह चार्ट में समझ लेते हैं, चल जाएंगे। साइन जीरो जीरो होता है, साइन 31/2 होता है, और सारे एंगल के बारे में अभी निकाल के देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबी इज 5 सेंटीमीटर और एंगल सी 30 दिया हुआ है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। अगर हमारे पास ट्रायंगल ए बी और सी है, सी राइट एंगल है, ए बी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ और एंगल सी जो है 30 है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ बी सी। हमें बी सी का लेंथ निकालना है और ए सी का लेंथ निकालना है। अब यहाँ पे इस दोनों साइड में रिलेशन क्या होता है, ये ट्रायंगल का 30 डिग्री के में हमारे पास क्या है, एंगल सी है, तो एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग सोचेंगे तो एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग ये दोनों साइड में क्या रिलेशन होता है, ये दोनों साइड में रिलेशन साइन का होता है, साइन 30 क्या होता है, पी बाय एच, पी यहाँ पे क्या है 5 AB और एच ए सी, तो साइन थर्टी इजल टू पी बाय एच इजल टू 5 अपॉन AC इज इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। अभी कुछ देर पहले निकाला है, यहाँ से हमारे पास ए सी का वैल्यू आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 2 × 5 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से हमारे पास ए सी मिल गया तो ये राइट एंगल रहेगा, तो पैथागोरस भी यूज कर सकते हैं, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, या यहाँ पे कॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कॉस थर्टी क्या होता है √3/2, और यहाँ पे हमारा cos 30 क्या होगा बी बाय एच, बी यहाँ क्या है बी सी अपॉन एच, एच अभी तुरंत निकालें ए सी 10, यहाँ पे हमारे पास बी सी आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 5√3, 5 times of √3, तब यहाँ से हमें दोनों साइड मिल गए, बी सी भी मिल गया और ए सी भी मिल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, 2 cos A + B इज इक्वल टू 1, मतलब cos A + B इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी जो है 20 से 90 के बीच में है और ए बी से बड़ा है, हमें फाइंड करना है ए और बी। sin A - B इक्वल टू 1, साइन 1 कब होता है जब 90 डिग्री होता है, मतलब एंगल ए माइनस बी तो यहाँ पे A - B इज इक्वल टू 90 होगा, और यहाँ cos A + B इज इक्वल टू 1/2, cos 1/2 कब होता है, cos θ 1/2 A + B, अगर हम θ देते हैं तो cos θ 1/2 कब होता है,
कॉस 60 सही है, कॉस 60 वन बाय टू होता है, तो ए प्लस बी जो होगा 60 होगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इसकी मदद से हम ए और बी दोनों निकाल सकते हैं। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर ऐड करते हैं इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो 2a इज इक्वल टू, ऑन एडिंग इक्वेशन वी गेट 2a इज इक्वल टू 150। तो हमारे पास a आ जाएगा a इज इक्वल टू 75। और दूसरा है ए, और ए 75 है तो इक्वेशन वन यूज कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन के अनुसार ए माइनस बी इक्वल टू 90 है, मतलब 75 माइनस बी जो होगा वो 90 के बराबर होगा, तो बी हमारे पास माइनस 15 डिग्री आ जाएगा। सिर्फ एंगल की बात करें तो 15 डिग्री आएगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 1/3 है, टेन ए प्लस बी इक्वल टू 3 दिया हुआ है और टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, और पूछ रहा है और बोला है कि a प्लस बी जो है 0 से लेकर 90 के बीच में और a ग्रेटर देन b है और a एंड b, सॉरी यहाँ क्वेश्चन करा दे, यहाँ रूट थ्री होगा और यहाँ 1/√3 होता, ठीक है। तो tan a प्लस बी को हम थीटा मानते हैं, tan a प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री, मतलब √3 कब होगा, जब a प्लस 60 डिग्री होगा, क्योंकि tan 60 इक्वल टू √3 होता है। इसलिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, मतलब a माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि tan थीटा, tan a माइनस बी हमारे पास है 1/√3, और tan थीटा रूट थ्री कब होगा, जब वहाँ पे 30 डिग्री होगा, मतलब a माइनस बी हमारा क्या होगा 30 डिग्री होगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल भी है, a और b, दो निकालना है तो दो इक्वेशन से दो वेरिएबल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, 2a इज इक्वल टू 90 हो जाएगा हमारे पास, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 2a इज इक्वल टू क्या होगा 90, 2a इज इक्वल टू 90, यहाँ से हमारे पास a आ जाएगा 45, इसलिए a इज इक्वल टू 45, यहाँ से हमारे पास a निकल के आ गया 45। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू 45 आ गया, इक्वेशन वन भी हमारे पास है, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, अगर a 45 है तो b ऑब्वियसली 15 डिग्री होगा, तो b भी हमारे पास निकल गया, b हमारे पास 15 डिग्री होगा, और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ भी है a ग्रेटर देन b, इसलिए a इज इक्वल टू 45 और b इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है या नेक्स्ट थ्योरी क्या है या क्वेश्चन, हाँ नहीं यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम उसे बोलते हैं जिस किसी दो एंगल को जोड़ के अगर 90 डिग्री पूर्ण रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। जैसे रिकॉल दैट टू एंगल आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ सम इक्वल टू 90, और कोई दो एंगल को जोड़ने के बाद अगर वो 90 डिग्री पूर्ण रहा है तो दोनों एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या वो देखते हैं। अब एक ट्रायंगल लेते हैं, ये हमारा थीटा, तो इसके अपोजिट साइड मैंने दूसरा एंगल जो होगा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल का एंगल जो होता है वो 180 होता है, तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है।
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब किसी भी एंगल को जोड़ के, दो ठो एंगल को जोड़ के जो 90 फुट था उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में भी इसे और इसे जोड़ने के बाद हमें 90 मिलेगा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा 90 आएगा, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे इस थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग बात करते हैं, तो ये बी है, ये एच है और ये पी है। तो साइन थीटा, साइन थीटा हम लेते हैं, साइन थीटा अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पी बाय एच, पी बाय एच होगा। अब वहीं पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसका अपोजिट एंगल जो जिसको जोड़ के 90 पूर रहा है, 90 हो रहा है, उसका कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पी बाय एच ही लेगा, तो पी अपॉन एच कॉस होगा ऑब्वियसली। ये कोई भी एंगल हो सकता है, तो 90 माइनस थीटा तो कॉस, 90 माइनस थीटा, इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, मतलब कॉस जो है साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। उसी तरह टैन का कॉट होता है, सेक का कॉसेक होता है। देखते हैं उसे आगे, ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, ये कॉस है जो भी बोलिए आप, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा रेसिप्रोकल है। टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट है, फिर कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन है, फिर सेक 90 माइनस ए इक्वल कॉसेक है, और कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक ए इंटू वन माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू वन, इसे प्रूफ करना है। ठीक है, करते हैं। सेक ए इक्वल टू, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, इसे साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं सबको। अब सेक को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस, ठीक है, लिखिए। अब देखिए सबको साइन कॉस में चेंज कर दिया, सेक इज टू वन बाई कॉस ए होता है, वन बाई साइन ए इसे वैसे ही रहेगा, सेक है वन अपन कॉस है टेन को साइन अपन कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस को माना जाए मीन कॉस एलसीएम ले लेंगे, फिर वन प्लस साइन आ जाएगा, तो कॉस बाहर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा वन माइनस साइन वन प्लस साइन, मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए लिख ही लेते हैं, ऊपर में हो जाता है वन माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे में कॉस स्क्वायर है, नीचे में हो गया हमारा कॉस स्क्वायर है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर ही होता है, कॉस स्क्वायर ए ही होता है, इसलिए कट जाएगा इससे और हमारे पास आंसर आ जाएगा वन। इसे आप आई होप क्या समझ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव डैट, ये तो कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रूव डैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉस ए के माइनस वन अपन कॉस ए प्लस वन। अब चलिए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या क्या दिया है। अब इसे भी साइन कॉस में चेंज कर देते तो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, होता है, तो कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस, कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस, कॉस कॉस बाहर आएगा कट जाएगा, आपको बस हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उतना लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे आ जाए कॉस कॉस अगर कट जा रहा है तो एल एच एस, एल एच एस में एल एच एस में हमारा बच गया कॉस का, तो कॉस तो कॉमन होकर कट गया, और नीचे में वन अपॉन साइन एल एच एस देखते हैं, तो वन अपॉन साइन माइनस वन, यहाँ पे वन अपॉन साइन
प्लस वन। ओ तो अब यहाँ वन अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक क्या होता है, वन अपॉन साइन है यहाँ पे, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है ए। साइन क्या होता है, कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो वन अपॉन साइन है इक्वल टू कोसेक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कोसेक है, कोसेक है माइनस वन, कोसेक है प्लस वन, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टैन टू ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री, वेयर टू ए इज एक्यूरेट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें दिया गया है कि टैन टू ए जो है कॉट ए माइनस 18 के बराबर है, और जबकि टू ए जो है एक्यूरेट एंगल है मतलब 90 से छोटा है, तो हमें ए का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो टैन और कॉट में रिलेशन क्या है, टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, बिल्कुल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टैन टू ए टैन टू ए कॉट ए माइनस 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए माइनस ए, मतलब टैन टैन के फॉर्म में, कॉट को आप टैन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैन 90, और यहाँ पे थीटा क्या है, ए माइनस 18, तो 90 माइनस ए, और माइनस 18 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 18। अब देखिए यहाँ टैन टैन है दोनों इक्वल, मतलब टैन अल्फा इसे मान लेते हैं, इसे टैन बीटा मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं टैन बीटा है ये, और ये टैन अल्फा है, दोनों टू है जो है, टैन अल्फा इज इक्वल टैन बीटा तभी हो सकता है जब अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से हो गया कि टू ए इज इक्वल टू 90 माइनस ए प्लस 18 के बराबर है। यहाँ से इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, थ्री ए इजकल टू 90 प्लस 18 क्या होता है, 108। तो अब यहाँ से ए का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपना क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20, वेयर 4a इज एक्यूरेट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये भी लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, सिमिलर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोल रहा है सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20, अब सेक कॉसेक भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसे यहाँ भी हम उतना लिखेंगे नहीं, बताएंगे भी नहीं, अब सिंपल सॉल्व कर देते हैं इसे। तो यहाँ पे सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक, तो दोनों को सेक के फॉर्म में लिख देते हैं, तो सेक कोसेक ए माइनस 20 को, या सेक को ही लिख देते हैं 90 माइनस सेक, तो सेक को कोसेक में क्या लिखेंगे, तो कोसेक 90 माइनस 4 है, और दोनों तो कोसेक तभी हो सकता है जब दोनों बराबर हो, इसलिए सेक को कोसेक के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेक 4 इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस 4, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये दोनों। अब ये कोसेक 90 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या है, कोसेक ए माइनस 20, ये तभी हो सकता है जब 90 माइनस 4 इज इक्वल टू ए माइनस 20 हो सकता होगा, इसका मतलब 90 माइनस 4 है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वल टू ए माइनस 20। अब ये इधर ले आते हैं तो क्या 5 ए हो जाएगा, इसे इधर भी तो 110, मतलब 5 ए इज इक्वल टू, तो अब यहाँ ए हमारा क्या आ जाएगा, 22, हाँ 22 ही आएगा, ए हमारा आ जाएगा 22 डिग्री। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन सो डैट साइन ए प्लस साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज टू कॉस ए बाय टू। अब यहाँ पे बोला गया है ए बी सी किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है, ठीक है, मतलब किसी भी ट्रायंगल का ये अंदर का एंगल है, बाहर का एंगल नहीं है, जैसे मान लेते हैं ये ट्रायंगल है,
और इसका साइड वर्टिक्स है ए बी और सी। तो ए बी सी इंटीरियर एंगल है, ये है और ये है। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है बी प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू कॉस ए बाय टू साइन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180। बिल्कुल, सम ऑफ एंगल क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से अब दोनों को हम टू से डिवाइड कर देते हैं, अगर दोनों को टू से डिवाइड करेंगे तो ये तो 90 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हमें बी प्लस सी चाहिए, बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 माइनस ए अपॉन टू को इस तरफ भेज देते हैं। अब दोनों तरफ हम साइन ले लेते हैं, दोनों तरफ साइन ले सकते हैं, ले लेते हैं। अब यहाँ पे साइन और यहाँ पे भी साइन, दोनों तरफ साइन ले लिए। अब यहाँ साइन बी प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाय टू। अब ए बाय टू को एक थीटा ले लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब कॉस, तो क्या होगा, कॉस ए अपॉन टू। अब यहाँ प्रूफ हो गया साइन ए प्लस साइन बी प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू कॉस ए बाय टू, बहुत सिंपल है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, या जो भी है कॉन्सेप्ट। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि आइडेंटिटी उसे बोलते हैं जब, मैं आइडेंटिटी किसी इक्वेशन को बोलते हैं, किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिटी बोलें। आइडेंटिटी कब होता है, जब किसी भी इक्वेशन हर किसी भी वैल्यू के लिए, कोई भी इक्वेशन हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो, एक मैंने सेटिस्फाई करे, हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो, तो उसे आइडेंटिटी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा ऐसे ही पढ़ सकते हैं आप, यू मे रिकॉल डैट एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्स, मतलब किसी भी वेरिएबल के लिए वैलिड हो। सिमिलर एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वो आइडेंटिटी मतलब वो इक्वेशन अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो उसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एंगल्स, अगर हर एंगल के लिए वो वैलिड हो तो हमारा आइडेंटिटी क्या है, जैसे कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है इक्वल टू वन, सॉरी ये सब स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी है, जैसे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, उसी तरह वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, और कॉट स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। यहाँ पे किसी एक को प्रूफ करते हैं, वन को ही प्रूफ करते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। साइन साइन एक्चुअली होता क्या है, पी बाय एच, मतलब पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस क्या होता है बी बाय एच, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर पैथागोरस थ्योरम के अनुसार एच स्क्वायर के इक्वल होगा, इसलिए एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसी तरह ये तीनों भी वैलिड है, इसे आप भी प्रूफ कर सकते हैं। बाकी आगे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा को प्रूफ करना है वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा में। इसे हम चेंज कर लेते हैं साइन कॉस में, टेन थीटा, तो अब यहाँ पे सबको साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। टेन इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फिर नीचे वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये ऊपर चला जाएगा, देखते हैं क्या होता है। ये साइन स्क्वायर थीटा,
अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन कॉस, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन कॉस। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में माइनस बाहर कर लेते हैं यहाँ से, तुम्हारे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन, अब देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम है, इधर साइन थीटा माइनस कॉमन लेके कॉस थीटा, यहाँ क्या हो गया हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे इसको होल स्क्वायर ब्रेक करते कहाँ गया, तो इसे ब्रेक करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि वन के बराबर होगा, माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा जिसके नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आएगा इसलिए माइनस टू, और यहाँ पे नीचे में साइन थीटा प्लस कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसके पास वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, माइनस टू। ये हमारा ये हमको प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर होगा। अब इसे भी हम साइन कॉस में चेंज करके बनाएंगे, वन प्लस टेन को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टेन, उसी तरह वन प्लस कॉट को चेंज कर लेंगे कॉस और साइन में, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, उसी तरह नीचे में भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। अब यहां से ये दोनों कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर। ये पहला हमारा प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रूफ करते हैं, वन माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस अपॉन वन माइनस कॉट ए, इसे भी साइन कॉस में चेंज करना है, तो यहाँ पर वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर होगा, और नीचे में साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये और ये कट जाएंगे और साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर मतलब टेन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन ए,
टेन स्क्वायर ए। इसी तरह ये भी प्रूफ होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप इंतज़ार करें।